हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 19 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना का MiG-21 विमान निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रैश हुआ है? तो इसमें आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के बाद निम्नलिखित में से किस कंपनी ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियार ना बनाने का संकल्प लिया है? तो इसमें आंसर आएगा स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फिर से प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर अमेरिका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक शिकायत दर्ज कराई है? तो इसमें आंसर आएगा ईरान ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, और इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा टैरिफ लागू करने और ट्रेड वॉर की धमकी के बीच यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ अब तक के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिका द्वारा टैरिफ लागू करने और ट्रेड वार की धमकी के बीच यूरोपीय संघ ने जापान के साथ अब तक के सबसे बड़े FTA यानी फ्री ट्रेड एरिया या मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा में बीजेपी का चीफ व्हिप बनाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से सांसद अनुराग ठाकुर को लोकसभा पार्टी में चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली हस्तियों की सूची में शीर्ष पर किसका स्थान है? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिकी मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर करीब 1951 करोड़ रुपए के साथ शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में भारत के किस राज्य के नजदीक अपना एक मानव रहित मौसम जानकारी केंद्र स्थापित किया है? तो इसमें आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य के नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज कैबिनेट की स्थापना की गई? तो इसमें आंसर आएगा ओडिशा सरकार द्वारा राज्य के ऐतिहासिक अवशेषों और स्मारकों के संरक्षण के लिए समृद्ध संस्कृति और भाषा के प्रसार के लिए हेरिटेज कैबिनेट का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मोटर वाहन नियमों में संशोधन के तहत निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को डिजिटल प्रारूप में दिया जा सकता है? तो इसमें आंसर आएगा ड्राइविंग लाइसेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मॉब लिंचिंग का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा मॉब लिंचिंग किसी झुंड या भीड़ द्वारा कानून से ऊपर उठकर किसी को सजा देने की खातिर खुद ही डिसीजन ले लेना, ये मॉब लिंचिंग है, जिसमें भीड़ किसी को अपराधी मानकर खुद ही सजा दे देती है और उसकी हत्या कर देती है। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन बी, भीड़ द्वारा हत्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही न्यूट्रिनो वेधशाला किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा न्यूट्रिनो वेधशाला तमिलनाडु के थेनी जिले की बोडी पाड़ियों में कई संस्थाओं के सहयोग से स्थापित की जा रही है। यह वेधशाला चट्टान से 1200 मीटर की गहराई पर होगी और इसमें कई गुफाएं होंगी, और इस परियोजना की लागत लगभग 1500 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मिलकर सहयोग दे रहे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग इसके लिए केंद्रीय एजेंसी के तौर पर काम करेगा। परियोजना का उद्देश्य न्यूट्रिनो पर मूलभूत अनुसंधान करना है, और भारत के 21 अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और IIT इस परियोजना में शामिल है। हमारे ब्रह्मांड में कई तरह के कण मौजूद है, और इन्हीं कणों में से कई कणों पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध भी किए जा रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद इन्हीं कणों में से एक कण का नाम है न्यूट्रिनो, और इस कण के अध्ययन पर कई सालों से वैज्ञानिक द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये कण काफी अधिक मात्रा में हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। फोटोन के बाद ये ऐसे कण हैं जो हमारे यूनिवर्स में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और हमारे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में हर एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 1000 फोटोन और 300 न्यूट्रिनो पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हुए औषधि एवं होम्योपैथिक सेक्टर से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा क्यूबा देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही मेधा सहसाधन योजना किस समुदाय से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जुलाई को भारत और किस देश के बीच 7वीं रक्षा प्रौद्योगिकी बैठक का आयोजन किया गया? तो इसमें आंसर आएगा भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने सोटेविल एथलेटिक्स मीट प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने एल्फिस्टन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया है? तो इसमें आंसर आएगा प्रभादेवी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने किसे राज्य का खेल एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा हिमा दास ने। हिमा दास के ऊपर हमारी एक वीडियो भी आ चुकी है, आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें हिमा दास के बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल सरकार ने निम्न में से किसको भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो इसमें आंसर आएगा नीलकंठ उत्प्रेती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी ने वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव गतिविधि के प्रभाव की निगरानी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसमें आंसर आएगा गूगल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन विश्व नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का प्रसिद्ध 20 साल पुराना चैटिंग मोबाइल ऐप जिसको कंपनी ने बंद कर दिया है, तो इसमें आंसर आएगा याहू मैसेंजर को कंपनी ने बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एनसीसी और एनएसएस को समेकित करने के लिए एक गठन की स्थापना की? तो इसमें आंसर आएगा 17 जुलाई को सरकार ने पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें युवा मामले और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया जो राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना को मजबूत करने के उपायों के बारे में सुझाव देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता भादुड़ी का हाल ही में मुंबई में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो इसमें आंसर आएगा अभिनय के क्षेत्र से, और उनके हालिया शो निमकी मुखिया के अलावा कुमकुम छोटी बहू हसरते और अमानते जैसे शो में वह नजर आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में आयोजित होने वाले पांडिचेरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश साझेदार है? तो इसमें आंसर आएगा इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन पिकुर फ्लिक और पुडुचेरी पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। यह 26 सितंबर से शुरू होगा और इसे पुडुचेरी के कई स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। महोत्सव का उद्घाटन संस्करण फ्रांस के सिनेमा कला और संस्कृति केंद्र पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान चीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का उद्घाटन किया है जो पाकिस्तान और चीन के बीच पहला भूमि आधारित संचार लिंक होगा? तो इसमें आंसर आएगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नासिरुल मुल्क ने। यह परियोजना 2 साल में पूरी हुई है। यह गिलगित बल्टिस्तान सेक्टर में दूरसंचार सेक्टर के विकास में मदद करेगा। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पौधागिरी अभियान लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शंस है हरियाणा राज्य, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीद ली है? आपके ऑप्शंस है देना बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच चुना गया है? आपके ऑप्शंस है रमेश राणा, राकेश राणा, रमेश पवार और राकेश पवार। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए,
और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।